हेलो फ्रेंड्स, मैं कुक विथ मीना। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रोटीन से भरा हुआ नाश्ता, जिसे मैं बिना तेल का बना के तैयार करूँगी और ये एकदम आसानी से बन के तैयार होगी। फ्रेंड्स, इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये नाश्ता एकदम हेल्दी है। इसे हमने दाल और चावल से बना के तैयार किया है, तो इस नाश्ते को आप कभी भी बना के खा सकते हैं। तो आज की रेसिपी फ्रेंड्स हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंड तक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं फ्रेंड्स इस रेसिपी को बनाने के लिए। हमने यहाँ पे 1/3 कप कच्चा चावल ले लिया है। आप यहाँ पे कोई सा भी कच्चा चावल ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे उसी कप से नाप के हमने 1/3 कप मूँग दाल ले लिया है। और उसी कप से नाप के हमने यहाँ पे 1/3 कप अरहर दाल ले लिया है, इसे तुअर दाल भी कहते हैं। और उसी कप से नाप के फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 1/3 कप चना दाल ले लिया है। और उसी कप से नाप के फ्रेंड्स हमने यहाँ पे धुली वाली उड़द दाल 1/3 कप ले लिया है। अब हम फ्रेंड्स इसमें पानी डाल के इसे 2-3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। इसे हम पहले इस तरीके से मसल मसल के अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि इसमें जितना भी डस्ट हो वो सारा निकल जाए। तो देख सकते हैं दाल और चावल में कितना गंदगी था। इस पानी को फ्रेंड्स हम बेसिन में ड्रेन कर देंगे, या फिर इस पानी को आप पेड़ पौधों में भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो हमने दाल को 3-4 बार पानी से अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। अब हम इसे 3-4 घंटा तक इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। अगर इसे आप रात में भिंगोए तो इसे रात भर के लिए भिंगोने के लिए छोड़ दे, तो ये अच्छी तरह से फूल जाती है। तो इसे हम 4 घंटे के लिए भिंगोने के लिए रख देंगे। तो हमने यहाँ पर कप ले लिया फ्रेंड्स। अब हम इसमें 1/2 कप पोहा ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स पहले मैं पोहे को धो लूँगी, तो इसे हम 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेंगे। 1/2 कप हम इसमें फ्रेश दही ऐड करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। अब हम दही और पोहे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम साइड में रख देंगे। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जार ले लिया है। जार में हम जो दाल को भिंगोकर रखे थे उसे हम ऐड करेंगे। इसे हमने पहले ही अच्छी तरह से धो लिया था, तो अब इसे हमें धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस दाल को फ्रेंड्स हम अब इस जार में ऐड करेंगे और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स दाल चावल को पीस के हम पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम अच्छी तरह से पीस लिए हैं। अब हम पेस्ट को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फ्रेंड्स इसे हम साइड में रख देंगे और फिर उसी जार को लेंगे। अब हमने यहाँ पे दही और पोहे को भिंगो के रखा था उसे ले लिया है। अब हम इसे जार में ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें एक छोटा टुकड़ा अदरक ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर अदरक ले लिया है और 2 लाल मिर्च ले लिया है। अगर आपके पास हरी मिर्च हो तो आप उसे ले लें। इसे हम तोड़ के इसमें ऐड करेंगे। इसे भी हम फाइन पेस्ट पीस लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दही और पोहे को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम इसे उसी बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो हमने यहाँ पे दाल और जो दही में भिंगोया हुआ पोहा था उसे हमने पीस के इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। और नमक को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें हरी धनिया पत्ता थोड़ा सा काट के ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे बारीक हरी धनिया पत्ती ऐड कर लिया है और 1/2 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे खाने वाला सोडा ले लिया है। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे मीठा सोडा ले लिया है। अगर आपके पास ये वाला ना हो तो आप इसके जगह पे इनो भी ले सकते हैं।
अब हम इसमें एक छोटा चम्मच पानी ऐड करेंगे। इसमें हमने पानी इसलिए ऐड किया है फ्रेंड्स, ताकि हमने जो खाने वाला सोडा डाला है वो एक्टिवेट हो सके। अब हम इन सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, लेकिन इसे हम एक ही डायरेक्शन में करेंगे और बहुत ज़्यादा कस के नहीं फेंटेंगे। तो यहाँ पे ये तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हमने यहाँ पे स्टीमर वाला प्लेट ले लिया है फ्रेंड्स। अगर आपके पास ये वाला ना हो तो आप इसके जगह पे थाली भी ले सकते हैं और स्टीमर में कटोरी रख के उसके ऊपर आप इसे रख सकते हैं। तो अब हम फ्रेंड्स इसमें ऑयल को ग्रीस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने ऑयल को प्लेट में अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हम फ्रेंड्स इस बैटर को इसमें ऐड कर लेंगे और हमने वहाँ पे स्टीमर में पानी डाल के रख लिया है। तो फ्रेंड्स इसे हम इसमें अच्छी तरह से फैला लेंगे। इसे फ्रेंड्स हम बिना ऑयल का बना के तैयार करेंगे। ये प्रोटीन रिच नाश्ता है, आप इसे कभी भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हमने अच्छी तरह से फैला लिया है। अब हम इसे स्टीमर में डालेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे स्टीमर में पानी रख दिया था, पानी बॉयल होने लगा है और इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे हम फ्रेंड्स 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 मिनट हो चुका है और ये स्टीम हो गया है। तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स ये स्टीम हो गया है। इसे हम टूथपिक डाल के चेक करेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स एकदम अच्छी तरह से स्टीम हो गया है, इसमें एक भी नहीं चिपका हुआ है। तो फ्रेंड्स इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया है और इसे हम इसमें हल्का सा इस तरीके से छिड़क देंगे और थोड़ा सा हरी धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम अब इस तरीके से निकालेंगे तो देख सकते हैं कितने आराम से ये निकल जाता है। इसे लेकिन आप पहले अच्छी तरह से ठंडा कर ले तो फ्रेंड्स ये एकदम आराम से निकल जाता है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये कितना आराम से निकल गया है। और फ्रेंड्स ये एकदम टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार हुआ। ये प्रोटीन से भरा हुआ नाश्ता है, इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं, ये इतना हेल्दी नाश्ता है। तो इसे हम प्लेट में सजा लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे एकदम हेल्दी सी नाश्ता बनके तैयार हो गया है, जिसे मैंने बिना तेल का बना के तैयार किया है। तो आप भी फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये प्रोटीन से भरा हुआ नाश्ता है, इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर मेरी रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।